हम लोग आए हैं आज खपड़िया बाबा के मंदिर, और ये खपड़िया बाबा के मंदिर जो है बहुत पुराना है। ये पहले से है जो यहाँ पे खपड़िया बाबा आए थे और वहाँ यहाँ पे मंदिर बन गया। उसके बाद से यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं। तो मैं एडवाइस करूँगा आप लोग प्लीज़ आइए। और यहाँ सिरपालपुर में मानस मंदिर है, आपको शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पे कीर्तन बहुत दूर दूर से इन आदमी आते हैं, कीर्तन करते हैं। और यहाँ इस मंदिर में, इस प्रांगण में आपको इतने अच्छी वातावरण मिलेगी। यहाँ पेड़ पौधे हैं और मंदिर, मेन तो है मंदिर। मंदिर आइए, आप विज़िट कीजिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आके। और मैं तो आप लोग को भी बोलूँगा कि आप लोग भी यहाँ आइए और विज़िट कीजिए ये मंदिर को। ये पूरे बलिया ज़िला क्या पूरे यूपी में ऐसा मंदिर नहीं होगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आज सनी डे हो गया है और आज हम आए हैं सिरपालपुर, जो खपड़िया बाबा यहाँ पे बहुत फेमस है, उनके मंदिर जाएंगे, आपको दिखाएंगे, वहाँ दर्शन कराएंगे, और वहाँ पे एक बड़ा सा यज्ञ हो रहा है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि आज देखिए सनी डे हो चुका है, मैं आपको धूप दिखा रहा हूँ, देखिए आपको धूप दिखा रहा हूँ, धूप निकल गई है, सूरज भगवान निकल चुके हैं। और हम लोग देखिए, और सब कोई रेडी हो चुका है, सब बच्चे रेडी हो गए हैं। चलना है कि नहीं चलना है? हाँ। चलना है, चलना है। तो चलिए, आप लोग रेडी हो गए हैं चलने के लिए? हाँ। हाय बोल दीजिए। हम लोग निकल चुके हैं खपड़िया बाबा के मंदिर जा रहे हैं। आओ, तो गाइस हम लोग खपड़िया बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का जो यज्ञ हो रहा है वो दिखाएंगे। ये नंदी महाराज हैं, इनके कान में कुछ बोलना होगा तो बोल दीजिए। यहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ी प्रतिमा बनने वाली है, यहाँ पे दिखाएंगे। सो गाइस, यही है हवन कुंड, यहीं पे हवन हो रहा था, यहीं पे बैठे थे पंडित जी लोग, और यहाँ पे यज्ञ हो रहा था। देखिए बहुत बड़ा यज्ञ होता है यहाँ पे। ये खपड़िया बाबा का मंदिर है और ये बहुत पहले से यज्ञ हो रहा है। अब कल फिर शुरू होगा यज्ञ, पंडित जी लोग आएंगे यहाँ पे, फिर यज्ञ शुरू करेंगे। आज का समय ख़त्म हो गया है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, आपको मैं दिखा रहा हूँ हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे है। ये है हनुमान जी का मंदिर, जय हनुमान जी। और
यहीं पे आइए, खपड़िया बाबा के मंदिर में हैं हनुमान जी, इनको आइए, इनका दर्शन कीजिए। यहाँ पे देखिए श्रद्धालु भी बहुत सारे आए। 2023 के यज्ञ जो हो रहा है खपड़िया बाबा के, वहाँ के ये यजमान हैं, इनका नाम है रामाशीष यादव जी हैं, और यही एक यजमान है यहाँ के इस पे। और आप कहाँ से आए हैं? हमारा घर सिरपालपुर है। सिरपालपुर है, हम यहाँ के यजमान हैं। अच्छा पंडित जी नमस्ते। सर जितने दिन का कार्यक्रम है उतने दिन का मैं यजमान हूँ, और ये 6 तारीख को समापन है। अच्छा तो अभी हम लोग का यज्ञ खत्म हुआ, अभी हवन पूर्ण हो गया है, अब हम लोग घर को प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं कुछ बता सकते हैं? यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, एटा दिल्ली आने को, तो यहाँ से जो विदेश रहते हैं ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आते हैं। श्रद्धा इतनी जबरदस्त है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। और उस पार से दिल्ली से, खुर्जा से, एटा से, इटावा से, मैनपुरी से, बहरी महादेव से, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। अच्छा, और यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया है, वातावरण भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, संस्कारिक हैं, प्रशासन भी बहुत धर्म स्थल से जुड़ा हुआ है। स्वामी जी का की प्रेरणा है कि सब लोग सुख चैन से रहते हैं और सब मिलकर सब बाहर से रहते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम, शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम रामाशीष यादव, मेरा घर सिपालपुर है, मैं यहीं के निवासी हूँ। ठीक है जी, इस बार का आप यजमान हैं? जी यजमान हूँ, मैं इसी यजमान के लिए हिमाचल से आया हूँ। अच्छा, मैं छुट्टी लेकर, क्योंकि मैं वहीं पर काम करता हूँ हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अब समझ के आदेश था कि आपके गाल के यजमान बन जाए पूरे जग को, तो मैं 22 तारीख आया हूँ, 23 तारीख लगा हूँ। हमारा पूरे परिवार, पूरे बच्चे इसी में लगे रहते हैं हमेशा, हरेक साल हम लोग स्वामी जी के प्रति बहुत श्रद्धा हैं, बहुत श्रद्धा भक्ति से रहते हैं। तो यहाँ पे यजमान के लिए स्वामी जी का आदेश हुआ था, मैं हिमाचल से आया हूँ, यहीं पे था लेकिन फिर गया, और 22 तारीख वहाँ से आया हूँ, और शौक स्वरूप बाबा का आशीर्वाद है, कृपा है स्वामी जी की। और अभी तक तो जितने दिन से कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई, और ठंड भी काफ़ी है लेकिन उसका कोई असर नहीं है। सुबह हम लोग 7 बजे तक नहा धोवा के पूरे आश्रम में आ जाते हैं, उसके बाद शाम 5 बजे तक रहते हैं, कार्यक्रम चलता है हमारा, सुभ पूजा होता है, उसका दुर्गा अभिषेक होती है, उसका हवन होता है, उसका फिर स्वामी जी की आरती होती है, हवन की आरती होती है, फिर अपने अपने सब यजमान प्रस्थान करते हैं। आज 1 तारीख का था, यजमानों की संख्या भी ज़्यादा थी, और 9 साल के उपलक्ष्य में यहाँ पे जनता जनार्दन की आबादी लगभग बहुत ही ज़्यादा, बहुत विशेष लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और आश्रम की भीड़ भाड़ आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और हमेशा रहती है। ठीक है, नमस्ते पंडित जी, फिर चलते हैं। सर जी
क्या लगा हुआ है। हेलो गाइस, हम लोग मानस मंदिर पहुंच गए हैं। और ये मानस मंदिर कहाँ है आपको पता है? चलिए मैं बता देता हूँ। सिरपालपुर के खपड़िया बाबा के मंदिर के अंदर में ये मानस मंदिर है। ये जो मानस मंदिर है ये आपको बलिया में कहाँ पूरे यूपी में ऐसा मानस मंदिर नहीं दिखाई देगा जहाँ पे आपको रामायण की पूरे किरदार है। इसमें आप आके विजिट कीजिए, मैं तो बोलूँगा आप पर्सनली आके विजिट कीजिए और यहाँ का किरदारों के फोटोज़ देखिए, मूर्तियाँ देखिए, आपको दिखाई देंगे और आपको पता चलेगा कि ये मानस मंदिर कितना सुंदर लगता है। यहाँ पे आएंगे आपको सुकून मिलेगा, एकदम शांत है। मानस मंदिर का वीडियो मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊँगा क्योंकि अभी गेट बंद है, इसी की वजह से हम वीडियो नहीं बना सकते। अगले दिन आएंगे और हम इस गेट को खुलवा के अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।